चाकू कद्दू पर गिरे या कद्दू चाकू पर दोनों में कटना कद्दू को ही पड़ता है मैं नघुबंदर हूं क्या हुआ हट क्या आवाज लगी ना अजी यही हटके काम तो करते हैं मेरे यार मेरे दोस्त और मेरे प्यारे दोनों जो सामने बैठे हैं जिनकी आवाजों पर अभी अभी मैंने एंट्री मारी है संकेत मात्र एन राजू काफ जेंटलमैन भाई ना तो मैं अलू अर्जुन हूँ जगू बंदर हूँ लेकिन इन दोनों की आवाज आपके सामने नॉट ओनली टू कैरेक्टर्स बट आई डोंट नो तुम लोग कि, कि, कितने कितने लोग बैठे हो इस वक्त सामने <laughs> दो लोग तो मुझे लग नहीं रहे क्योंकि इस कितने किरदारों की आवाज दे चुके हैं आप लोग इज अ काउंट मेरे ख्याल से अभी देखिए मुझे डबिंग करते करते चौबीस साल हो गए इनको पंद्रह से अठारह साल

बचपन में जब हम लोग कार्टून्स देखा करते थे या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट्स देखा करते थे जिसके अंदर था वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट लेकिन आप उसको अपनी लैंग्वेज में देखते थे या तो हिंदी में या मराठी में या अपने मदर टंग में आपको ऐसा कभी नहीं लगा था कि यार ये शायद कोई किसी और की आवाज है आपको लगता था ये यही है यह ऐसे ही बात करते हैं और सालों बाद जब आप बड़े हुए आपको मालूम पड़ा अच्छा एक ऐसी दुनिया भी है जिसको डबिंग की दुनिया कहते हैं एंड मे इड बी एनिमेशन कार्टून फिल्म्स साउथ की फिल्में हिंदी में या हिंदी फिल्में साउथ इंडियन भाषाओं में इंटरनेशनल फिल्में मैं जैकी चैन की फिल्में देखा करता था मुझे लगता था जैकी चैन सही में हिंदी बोलता है क्योंकि मैं उनकी हिंदी डब्ड मूवीज देखता था और ये काम करने वाले जो कलाकार होते हैं They are called voice artists, as you all know, voice actors, and two of the best.

मतलब ऐसे राजू राजू बंदर की आवाज में में मांग लेते हो क्या नहीं सुने, सुने, नहीं, सुने। नहीं नहीं भाभी चाय मुंह पे बट हाउ इट स्टार्ट फॉर यू 24 मैं, years, 24 इयर्स इयर्स वॉइसिंग उससे पहले मैंने शुरुआत की मैं कॉलेज में था जब पढ़ाई कर रहा था तब इंटर कॉलेज कंपटीशन जो ड्रामा होते हैं बेस वही है इंटर कॉलेज मुंबई में तो वहाँ से वो करते करते फिर एक रैंडम कॉल के डबिंग करोगे क्या डबिंग का डब ही पता नहीं क्या करेंगे पर फिर कुछ जानकार मित्र से दोस्तों से बात करके पूछा डबिंग क्या होता है अरे वो बोलता है ना तब हम लोग को बोलने का तो वो डबिंग है तभी भी समझ में नहीं आया कि जानकार मित्र है हाँ <laughs> बताना जरा ये जानकार मित्र कौन थे है है हमारे लेकिन देखिए वो भी एक्टिंग फील्ड से वो भी डबिंग आर्टिस्ट या वॉइस एक्टर नहीं तो उनको जितना पता था उन्होंने कहा चलो ठीक है फिर जैकपॉट खेला गया कि जब बुलाया गया यानी कि शाम पाँच बजे बुलाया गया तो हम पहुंच गए दोपहर ढाई बजे <laughs> और जो कलाकार कर रहे थे उनको देखा क्या बात बहुत अच्छे। तो कहीं से थोड़ी चोरी चोरी चपाटी जो हमारे है ना वो वहाँ से सीखने वाली कला उठाने वाली चीज़ें हमने सालों से बड़े बड़े एक्टर्स को देखा है वहाँ से कहीं ना कहीं कुछ सीखा है तो जो एक्टर कर रहे थे उनको देखा और क्या चीज़ है क्या तकनीक है थोड़ी बहुत कोशिश की और धीरे 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 ऐसे डबिंग की दुकान खुली भाई क्या बात है संकेत डिड इट फॉर यू कंप्लीटली बाय एक्सीडेंट मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कोई फील्ड है जहां कोई ऐसा वॉइसिंग वगैरह कर सकता है uh, जैसे यू नो राजू ने एक बहुत जरूरी बात की मैं कॉलेज में था पढ़ रहा था तो मैं कॉलेज में था पढ़ नहीं रहा था <laughs> थिएटर <laughs> थिएटर कर रहा था और यू नो दॉ ऑफ थिएटर दैट एट डन और जो भी इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद ऐसा था कि वैसी कोई जॉब करनी नहीं है मेरे दिमाग में ना ऐसे सपने में सर्किट्स वगैरह आते थे लगता था कि रिपेयर कर दो फिर नहीं हो पाता था पसीने से तरब तर से उठ जाता था सो आई टू बी लाइक कि कुछ तो करूंगा क्रिएटिव और टेक्निक

ऐसा कुछ तो कर रहा है फिर एक कोई सरपंच है ah, बच्चों बीमारी फैल रही है भाई हाथ धो लेना अपने अपने सो so, ऐसे टाइप का कुछ कर लिया दे रियली लाइक इट दे पास ऑन द सैंपल्स कॉल फ्रॉम अल्ट्रा सेंगे ऐसा कुछ है डबिंग होता है आप आके देख लो आई आई सैट डाउन एंड जस्ट क्लिक आई थिंक फ्रॉम द फ्राम द गेट गो आई डेंट नो वॉट इट वॉज बट ही सेट यू जस्ट हियर इम टॉक एंड मेनी स्टार्ट आप अपना लाइन हिंदी में बोल दो तो बस इमोशन थोड़ा फॉलो करते रहना And it's been 18 years later, and here we are. Wow, man, wow! And all our seniors, all our people, जिन्होंने you know, industry को set up किया, base बना कर the voiceover industry, And today we are very proud of our voiceover industry. I see once a year when you all.

Industry industry. Uh, uh, स्टेज एक्टर्स में भी यही कहा, मैंने उन के जवाब भी यही दिया कि मैंने ना उन्हें जगह बनानी पड़ेगी <laughs> इस इंडस्ट्री के अंदर क्योंकि इस इंडस्ट्री की अपनी एक अलग स्टारडम है इस इंडस्ट्री की अपनी एक अलग पहचान है एंड उस पहचान को बनाने में आप लोगों ने बहुत साल दिए हैं <laughs> आज क्लियरली संकेत मात्रे जब आपकी किसी फिल्म uh, को हम इंटरनेट पे देखते हैं वी क्लियरली सी द हाँ संकेत मात्रे की आवाज इस एक्टर के लिए बनी है इस एक्टर का, का काम संकेत ने उभारा है uh, या राजू जब कोई किरदार करते हैं आपकी एक एक ऑलमोस्ट एक कल्ट फॉलोइंग है जिसको कहते हैं जहां पे लोग कहते हैं कि यार ये राजू पे ज्यादा सूट करता या ये राजेश कावा को करना चाहिए था वेन जब आप किसी ये डिफ्रेंसीशन देखते हैं वॉइस एक्टर्स और एक्टर्स के बीच में डू यू थिंक इट क्लियरली इज टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज बिकॉज लॉड ऑफ एक्टर्स बिलीव कि हाँ तो क्या है कैमरा के सामने कर लिया माइक के सामने भी कर लेंगे राजेश यस yes, <coughs> मुझे ऐसा लगता है कि वो आते हैं एज एन एक्टर अगर समझिए कुछ एक्टर है मैं नाम ले सकता हूँ बेशक वरुण धवन ने किया था कैप्टन अमेरिका तो उन्होंने अगर डब की तो वो डब कर रहे हैं शायद पब्लिक को वो अरुण ही साउंड कर रहे हैं उनको कैप्टन अमेरिका नहीं दिख रहे है। शायद ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है अगर रणवीर सिंह ने डेडपुल डप की थी या टाइगर श्रॉफ ने स्पाइडर, स्पाइडर डब 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 की थी तो पब्लिक को ऑडियंस को वही दिखते हैं उनको उनका जो सुपर हीरो है जो पहले किसी और आवाज़ में आवाज़ के एक्टर में यानी कि संकेत महात्रे या वैभव ठक्कर या किसी और में दिखता था वो ढूंढने पर भी नहीं दिखता शायद ये निराशा भरी बात हो जाती है उनके लिए इसलिए Uh, वो जीरो से स्टार्ट करने वाली बात है उनके लिए सो इन दैट केस संकेत एम आई राइट इन सेइंग सो दैट बिकॉज़ द वॉइस एक्टर्स आर नॉट विजिबल टू द ऑडियंस, दे कैन एंजॉय देयर वर्क इवन मोर सो इन अ वे इज इट अ ब्लेसिंग इन डिजगाइ दैट संकेत की आवाज संकेत के फेस को बियॉन्ड जाती है दैट दिन डू नॉट सी योर फेस दियर योर वॉइस Um, have you seen Sanket's face? Absolutely, it is a complete, you know, advantage that I have uh, when it comes to voicing, and I always uh, say that to people. Uh द फर्स्ट टाइम मनी पीपल यू नो वैन दे कम टू अर स्टूडियो और अगर वो मुझे देखते हैं वॉइसिंग करते हुए स्पेशली यू नो दर्ली ईयर्स वैन दे यूज़ टू अरे अच्छी आवाज है लेट मीज जस्ट पीप इन द रूम एंड सी हुज डूइंग इट और यह छोटा सा बच्चा बैठा है चश्मेश वशमेश दुबला तो तब तो मैं और भी दुबला पतला हुआ करता था अच्छी इसकी आवाज़ है और लग नहीं रही है यार सो आई थिंक दैट्स प्राइमरीली अ ग्रेट थिंग वॉट वॉट ही सेंग इज एब्सोलूटली राइट बिकॉज देर वैन देर इज़ नो फेस Um, and you hear a voice. You can then apply your imagination completely to that character. Then your Captain America just sounds like a Captain America. It's, it, there is no face to it. Um, but then with that also comes a lot of these issues where you always end up staying invisible uh, for a while. I'm, I'm really glad with the advent of social media that that's kind of slowly changing. Um, but yeah, for the longest time, the 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 brilliant, talented guys who who were here before us uh, our seniors. You know, be it in terms of writers, directors, technicians, every

बट अगर हम ब्रेक डाउन करें स्पेशली फॉर समबड़ी लाइक राजू हु टीचर्स द क्राफ्ट ऑल्सो अगर हम ब्रेक डाउन करें यू नो योर यूर स्टैंडिंग दैर इन दिस यू नो दिस क्वाइट क्लोज रूम आपके सामने एक स्क्रीन है उस पर कुछ प्ले हो रहा है इन इन अनदर लैंग्वेज यूर हियरिंग दैट देन यू हियरिंग योर ओन वॉइस फिर एक स्क्रिप्ट है जो हिंदी में है अंग्रेजी चल रहा है आपकी आवाज़ इसकी आवाज़ पीछे से कोई इंजीनियर बोलेगा सर ब्लो आ रहा है क्रॉस खड़े हो जाओ And you're still trying to emote according to that scene. The page is turned and the scene has completely changed. Now he's happy. He was sad. You're switching. You know, things that were done with uh, rehearsals, with workshops for six months, short over a period of a year, you are now switching pages and doing it in a matter of minutes. So when you when you actually get into the nitty-gritties of it, you understand it's not that simple, you know, and then it's a skill. And so, like any other skill, I think, you know, when somebody wants to come in,

Uh, वो चेहरा चेहरे का सामने ना आना और उस आवाज को वो रिकोगशन जो मिलती है और माशाल्लाह आप लोगों का काम बेहतरीन है मैं ये नहीं बोल रहा बट वाई इज इट दैट एन एक्टर इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अ वॉइस एक्टर वेयर एज अ वॉइस एक्टर इज डूइंग बेटर जॉबर इन साइड द डबिंग स्टूडियो चुप्ती है एक लिहाज से कहा जाए तो लेकिन अभी चेहरा लोग जानने लगे हैं जैसे सोशल मीडिया की बात कही दो के बाद से क्रांति हुई है भारत के कोने कोने में या जो आसपास के देश जो भी हिंदी भाषा देखते हैं सुनते हैं ज़्यादातर वो लोग जानना चाहते हैं कि इसके पीछे कौन है किरदार ढूंढते हैं वो आपको भले कहीं वीडियो ना मिले कहीं फ़ोटो मिल जाए तो भी वो हो जाते हैं कि हाँ मैं उस बंदे को मैंने देखा यार वो बंदा वो है ठीक है तो ये जानना चाहते हैं ये एक पॉइंट है दूसरी बात ये कि जैसे इनके वापस एक पॉइंट पर आऊँगा मैं कि आ, एक सीन पूरा इंटेंस सीन है दूसरे सीन में वो हंस रहा है तीसरे में रो रहा है चौथे में कॉमेडी कुछ भी अलग अलग चीज़ है एक्टर की तो हम लोग बैक टू बैक पूरी फिल्म कर डालते हैं बैठे बैठे हम लोग सारे रंग जी लेते हैं नौ रस बोलते हैं नाइन एक्सप्रेशन नौ क्या नब्बे एक साथ हो तो भी हम लोग जी लेते हैं क्योंकि हम लोग पूरी तरह से उसमें रच जाते हैं ए सी कमरे में एक कमरे में बैठ के सारे मूड में आना सारे रंग में आना बहुत मैंने आपको मैं नाम नहीं लूंगा फिलहाल एक सुपर स्टार है जिनकी मैं डबिंग देख रहा था वो डबिंग कर रहे थे एक्टर है बहुत बड़े वो खुद की डबिंग कर रहे थे उन्होंने एक सीन डब किया मेरे सामने दूसरा सीन डब किया अपनी बड़ी बहुत बड़ी फिल्म है वो खुद की डबिंग कर रहे थे और उसके बाद ना तीसरा जो सीन शुरुआत का हुआ उसकी शुरुआत में ही लाफ्टर था <laughs> ऐसे करके शुरू हुआ वो सीन ना नो लाफ्टर टुडे नो ना, ना उनके जो असिस्टेंट थे वो नोट कर रहे थे कौन सा सीन क्या छोड़ रहे हैं हम लोग लाफ्टर नहीं कर रहे हैं हाँ तो लाफ्टर नहीं सीधा लाइन पे नहीं वो पूरा हंसता है सीन में वो सीन ही नहीं कर रहे हैं कुछ और तो अगर वो मन और मस्तिष्क से पूरी तरह से तैयार नहीं है हंसने के लिए तो नहीं कर रहे हैं लेकिन हमें तो हमारा तो ये सब कुछ रोजी रोटी है जिम्मेदारी है हमारी कलाकारी है पूरी तरह से साबित करना है जो भी समझ लीजिए हमें तो पूरा न्याय देना है क्योंकि एक्टर ने माइंड ब्लोइंग एक्ट किया है तो हमें तो अद्भुत डब करना है तो उसी ये एक एसी कमरे में बैठ के हमें सारे मूड लाने हम नहीं कह सकते नहीं नहीं, नहीं पैगा भैया आज हंसेंगे नहीं आए <laughs> No, nahi no, no, no <laughs> laughters today. Speaking of laughters, man, I'm just going to quickly jump the conversation yeah. also. Yeah. Craziest laughters in the dubbing world or the characters that you've laughed for, which has excited you the most? Craziest laughters, jokers, <laughs> laughter, yeah. uh, and all the different kind of jokers. Yeah. What Heath Ledger did to. Copy that that laugh or what a a Jared Leto did. His Joker was completely different. How these even voice actors develop those laughs, those laughs, little sounds that make a difference. रिलीज हुई हैगी वो वो क्या हंसते हैं वो एक्टर भाई साहब क्या माइंड तो वो पहले अंदर फिर आवाज के साथ तो वो जब भी मैंने किया है वो रिटेक लेने पड़े लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि ड्रैगन बॉन्स no, uh, तो वो एकदम वो फुल पावर है ताकत है भयंकर वो <laughs> 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 वो है पूरा लेकिन एक एक लाफ्टर मैं भूल नहीं सकता मैंने उस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड 2003 में किया था सीरीज का नाम है वुडी वुड वोड़ पे का अच्छा, तो वो अच्छा तो बचपन वाला वुडी वुड वोड़ पे का हाँ। <laughs> हाँ। <laughs> तो वो मैं और उसकी आज ये रखे फिर जो अभी bro, देखो वन टेक में नहीं, नहीं आएगा इतने साथ। वी नो दिस कैरेक्टर सो वेल इस आखरी में मशीन गन चला रहा है ऐसा तो ये ये लाफ्टर जो होते हैं dude. हमें फेफड़े पूरे yeah, बाहर आ जाते हैं यार वापस अंडर डालते हैं अरे वन मोर टेक भाई <laughs> but i think the, the 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 credit for all of this also goes to um, you know the dubbing director uh, mm. a lot of people underplay the importance of dubbing directors mujhe lagta hai aur uh, you know jab wo hote hain saath तो आपकी काम की जो क्वालिटी होती है वर्सेस एब्सेंस ऑफ अ डबिंग डायरेक्टर इज यू नो क्लियरली एविडेंट स्पीकिंग ऑफ डबिंग डायरेक्टर्स आई वुड लाइक टू कॉल समवन जिनके साथ में आप लोगों ने बहुत काम किया है बोथ ऑफ यू हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन हर स्टूडियो शी कम्स फ्रॉम लीनिएज ऑफ सम फाइनेस्ट डबिंग वर्क्स दैट हैज हैपेंड इन इंडिया एंड शी कम्स From a house called The Sound and Vision, which is almost like home to all of us, all the voice artists. Uh, from the great Liladi to now our sweet sister, Mona Shetty Gaush. So I'm going to call her right now. So friends, with us I've already introduction you... I wish I could speak like this being a bong. <laughs> <laughs> मैंने पहले तो मैंने बोला कि मोना शेट्टी को बुलाया मैंने ना, फिर मैंने फिर ना नहीं मोना दी बोल के उनको अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे के जो प्यार मोहब्बत हम लोगों के दिलों में है मोना जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस चीज की uh, बात की जा सकती है बिकॉज इजेर और मैंने आपको आज मैसेज भी किया था कि डबिंग इंडस्ट्री की बात हो रही हो और इट शुड इट इट डज नॉट स्टार्ट विथ यू और आपसे बातचीत ना हो ऐसा हो नहीं सकता यू योर सेल्फ अ बॉर्न इन दिस इंडस्ट्री यू लाइक व्हाट यू लाइक पैदा होते से चालू किया था आपने डबिंग करना फर्स्ट फर्स्ट डबिंग फर्स्ट डबिंग कब हुआ था दो, दो हफ्ता के आवाज में दो हफ्ता का उम्र में नहीं, I think पांच हफ्ता। ए, देखा?

Your first experience of Raju and your first experience of Sanket. My first experience with them both, actually. Uh -huh. I mean, of course, we've been working with them for I think what the last fifteen years. Yeah, yeah, <coughs> easy. Yeah, yeah. easily. Huh. Both both of you came around the same time. He's he's six years senior to me, roughly. Raju was there much uh, before, yeah. and uh, you know, both of them used to do. I think initially, when I met them, they used to do a lot of animation work. Yeah. And everybody starts like that, right? Everybody starts somewhere. So mm -hmm. you do, uh, you, they were very popular with the kind of animation work that they were doing. And uh, they were already big names, I think, by the time uh, we met. And they were already being cast in lead roles uh, by the time we met. Um, so they were doing that kind of work for us also and uh, gradually moving into live action but i think where i had the most fun with them and i have to mention this is the one and only Deadpool. Deadpool. <laughs> both of the the deadpools the deadpools no actually you know what when they were performing we were dead <laughs> we were we were deadpooled by then because uh, it was just so funny the the, the interaction the banter between them and you know with each one coming up with their own little ideas and their own little additions and you know uh from my team kalpesh also adding Uh, I mean Raju and Kalpesh being both being Gujaratis had so much fun doing the film. I, I don't think they could have had any more fun than they did. Gujarati Deadpool. मतलब सच में वो दोपिंदर के बाद वो उस एक्टर को देखने के बाद जो भी व्यूअर्स हैं उनको ऐसे ही लगता है कि ये बंदा गुजराती है. Mona and what about recognition? What about the the stature of uh, voice over artists? Uh, do you think the recognition has gone better or worse? आपको दो तीन पहलू कहती हूँ, ओके ये अलग-अलग इसके अह हैं एक तो जो काम मैं करती थी उसमें मुझे बिल्कुल अलाउड नहीं था बोलने बोलना कि आ, मैंने किस, किसी की डबिंग की है बिकॉज़ इट वुड बिकम अ कंट्रोवर्सी हीरोइन की अपनी आवाज नहीं है ओरिजिनल फिल्म वाओ oh, यस wow, तो, yes. तो मेरे मुझे तो उस एक्ट्रेस के लिए ये उस एक्ट्रेस एक्ट्रेस के लिए हो सकता है 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 जरा सोचिए अगर को दुनिया को मालूम पड़ जाए कि वो की की खुद की आवाज़ नहीं है। और ये कई बार जितनी बार जितनी अरे पता है क्या इस एक्टर की डबिंग उसने खुद नहीं किया है इन्होंने किया है मिलिए इनसे एंड मुझे इतना डर लगता था आर्टिकल देखे लोगों को खुशी होनी चाहिए ना अपनी अपना नाम डर <laughs> <पर laughs> लगता था कि यार ये अगर अभी किसी ने पढ़ लिया ये सोचेंगे मैं अपना पब्लिसिटी कर रही हूँ लेकिन लोग पता करते थे जा जा के स्टूडियोज में अरे कि किसका किसने किया है अभी इस इस फिल्म में एक्टर का मुझे पता है ये तो बाहर से आई है ये एक्टर ये इनको तो हिंदी नहीं आती होगी इनकी तो जरूर किसी ने डबिंग की होगी तो ये सब चीजें बहुत होती थी मेरे साथ तो मुझे तो बिल्कुल अलाउड नहीं था ये तो इतने साल बाद हम हम अभी खुल के बोल सकते हैं बिकॉज एक्टर्स की आवाज आज पहचानी जाती है बिल्कुल uh, तो हम हम बोल सकते हैं कि यू you नो know, हमने ये काम किया था अब अब तो कोई इसमें कोई छुपाने uh, वाली बात नहीं रही फॉर सी

कम से कम आना चाहिए कि हाँ भाई इस इस फलाना-फलाना किरदार का 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 ये हॉलीवुड के के फिल्म कैरेक्टर आवाज हिंदी हिंदी में इसने किया तो में इसने क्योंकि दुनिया को मालूम है है क्रिस नहीं बोल रहा तो ने ने तो, ने तो वो क्रेडिट तो आजकल मिलता सो सो दैट वी हैव अ बिग हर्डल इट पंद्रह मिनट वेट करने के बाद <laughs> आता है तो कौन, कर कौन वेट करता है कौन वेट करता है वो एंड स्लेट का तो एक्चुअली वो आता है क्योंकि उनको अभी ये उनको भी लग रहा है कि ये क्रेडिट हमको देना चाहिए बट सोशल मीडिया पे दे वुडंट एग्री ऑन दैट देखिए टीवी पे वे टाइम ऑफ अ शो इज फाइनाइट यू you नो know, आपको 23 मिनट्स में वो शो खत्म करना ही है आप 15 मिनट के क्रेडिट्स नहीं दे, दे सकते हैं हर लैंग्वेज की ओके अलग अलग मास्टर्स नहीं बनते हैं हर लैंग्वेज के लिए विजुअल मास्टर्स ऑडियो मास्टर्स अलग बनते हैं ओके okay. तो फीचर फिल्म्स में डालना पॉसिबल हो गया है ओटीटी um, पे डालना पॉसिबल हो गया है जहां पे लेंथ की पाबंदी नहीं है ओके बट आई थिंक टीवी पे अभी भी ये प्रॉब्लम आएगी एंड दीज आर ऑल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इट्स नॉट दैट समबडी डजेंट वांट टू गिव यू क्रेडिट आई थिंक मैडम या yeah no, you're absolutely right. I think mo like an every artist would turn around and say that uh, they work <coughs> so that they can be recognized uh, and be appreciated by people. But uh, all these conversations aside, Thank you for setting up such a wonderful, wonderful platform, a world uh, where one can play with audio. I mean, I, that's the most beautiful part. Sound and vision will always be like a temple to us, Mona. And thank you so much for being the Pandiji. How <laughs> <laughs> <Ha, wada Panditji. laughs> <laughs> se you, karayega. <laughs> Haan, hun, pata <laughs> Mona, I'm going to be waiting for you one day to be here in the studio. So much more to chat about because uh, the dubbing industry excites us more than anything else. And I'm glad that we have you to talk about it. Thank you so much for joining us right now, Mona. Thank you for having me. And I look forward to visiting you the day I get the invitation. <laughs> Will do, Mona. See you soon. Bye bye. 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 bye.

may it be voicing may it be acting or may it be doing some salsa ladies and gentlemen from mr black of uh, i hear you or the professor please welcome ashwin mushran hello ash how are we doing today good good uh mantra the check is in the post i asked you to say good things so you know we agreed on the sum so it's all it's all it's all okay now yeah <laughs> ash voice actors

बेशक रिलीज से पहले तो नहीं बताते हैं क्योंकि इन सारी चीज़ों को लेकर हर प्लेटफॉर्म हर चैनल हर प्रोड्यूसर बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है चलिए रिलीज के पहले नहीं बताते हैं। लेकिन रिलीज के बाद तो बताना चाहिए छाती ठोक के मेरे ख्याल से लेकिन शायद अभी उस चीज़ को लेकर भी नहीं बताना चाहिए या नहीं कहना चाहिए ऐसी बातें हो रही है तो इस चीज़ से थोड़ी दिक्कत हो रही तो है तो एक सेकेंड संकेत आप मुझे कह रहे हैं कि आप एज एन आर्टिस्ट आपने किसी किरदार को आवाज़ दी है बट आप

the artist is always in this you know this uh, dilemma is um, <clears throat> like this current conundrum that you can't talk about it pre-release which is absolutely understandable but you cannot then talk about it post-release Okay, if we don't talk about it post-release, is there a credit slate that kind of credits the artist? Uh, not always, not everywhere. Again, that is a problem. So you know, you are st always stuck in this uh, thing, and you're always there's this you know hanging sword of there can be legal repercussions if you do, and um, you know some platforms are coming for forward, and they not only are they providing credit slates, but they are also kind of. Using the artists to promote uh, material now, especially if it's dubbed content, because they understand that the dubbed content has a good dubbed artist. You know these voice artists fan base that they can kind of use, and that's what we always think. I mean, as as artists, even after the release, if we are promoting something, you know, be it with our name on it or whatever, because we voice for a certain character, won't it just benefit both parties? Because it's at the end of the day, it's still promotion, right? I mean, why would isn't this your right, Ashwin Mushran? that uh, if you have uh, uh, voiced for a character that you should be given the credit for the same I totally agree and uh, also going by what was just said uh, when we are when we are recording something just as we film uh, shoot we nowadays we don't really talk about it till afterwards and that is completely right but once something is out yeah. is already online is already released. I do not understand why there should be any objection for any of us to say, hey, I'm the voice of that character. In fact, online, there'll be people who will be taking your name from YouTube comments to Instagram to everywhere. They'll be writing your name saying, hey, that's your voice. That's you. Mm -hmm. I mean, this is this person. I mean, uh, the, this is this person's voice all the time. And we we can't say it. I just I cannot understand. it. And, and as Sanket always said, any kind of promotion should be your benefit there's a huge online following for us voice actors i don't think the platforms understand the reach and the extent of that they they really don't i, I just told you the other day I, I got stopped in goa i mean in the airport i got stopped on the uh, on the streets where people didn't come and say hey you're the actor they said hey you're the voice of the professor in money heist aren't you yeah you know that's that's how people are following stuff so this latest objection i just do not understand and i i'm totally against the direction this is going i think it is wrong and it is disrespectful not to credit us for the work that we've done I know, Ash. I can I can see that. I can see the temper, but you know one thing, man. You've absolutely you gentlemen have absolutely done some fabulous work in the voicing industry and given this uh, industry a beautiful space for all of us to even talk about it. Thanks a lot, Ash. I miss you in the studios, my man. I hope to see you soon. Thank you, Ashwin. See you. Thank you, thank you. you. <laughs> okay. Bye. Well, bots are industry ki insider gossip storm ko mil gai, जो हम डबिंग आर्टिस्ट क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं इसके बारे में तो बात हुई लेकिन थोड़ी मस्ती अब हो जाए यहाँ पे बिकॉज मेरे साथ में ये दो बड़े मस्त मौला लड़के बैठे हैं और इन्होंने न जाने कितने सारे एक्टर्स को कैरेक्टर्स को आवाज़ दी है आज लेकिन ये आवाज़ देंगे मीम्स को <laughs> कभी मीम कभी शहद शहद मैं आपको कुछ मीम्स दिखाने वाला हूँ <laughs> उसको देखते से जो आपको आवाज़ सूझे हर पिक्चर की एक आवाज़ होती है वो कैरेक्टर का आपको जो आवाज देना आप देना जो आवाज जो डायलॉग जो लाइन और आपने किरदारों की आवाज में जैसा आपका मन करे ठीक है थीक। तो ये रहे आपके मीम मीम नंबर वन। बस सोचने का नहीं बोल देने का वेल डन वेल डन वेल डन नेक्स्ट अरे अरे पाकिस्तान चाचा <coughs> राजू तुम करो हां <laughs> अरे रात को 2:30 बजे स्क्रिप्ट लिखे हो क्या कितना गलती है रे <laughs> <laughs> बहुत अच्छे अरे संकेत ये आपके लिए अरे वाह पेमेंट भी भी क्रेडिट है। आओ कभी पे। <laughs> बहुत अच्छे गो बैक टू दैट यू वॉइस फॉर अमरीतर आई कैन डू मिमिक्री ऑफ बाकी सब मैं कचरा कर देता हूँ अमरीशपुरी एंड ऑफकोर्स ये uh -huh. तो आपके चाहते हैं क्यों है आपके इतने चाहिए जेठालाल जी ओए क्या बोलो बापूजी बोले अरे बब्बी ताजी को बोला अरे वन टेक ओके दिए भाई देखो ऐसे वन टेक ओके ओके कैस ओके नेक्स्ट हो सके यू गो टू गो फॉर नहीं नहीं वो पैसे वैसे मिलते रहेंगे <laughs> पहले करेक्शन करने आ जाओ ओ बहुत अच्छे करेक्शन करने के लिए हाँ अरे यहाँ क्या <laughs> अरे भाई ये सिंह देख लो लेफ्ट कर लो आ जाएगा भाई <laughs> क्या वन टेक क्यों सिंह के लिए देखो दो फ्रेम आगे लो <laughs> ये डबिंग इंडस्ट्री वाले लोग समझेंगे यहां पे राजू क्या बोल रहा था एंड गाइस ऑफ कोर्स आपने संकेत को और राजू को बहुत सारे फेमस वेरी फेमस एक्टर्स की आवाज में सुना होगा लेकिन आज आपको वो चेहरे भी दिखाई देंगे एंड उनकी आवाज भी सुनाई देगी सो so, संकेत यू आर लव्ड फॉर द वर्क दूव डन फॉर अलू For yes. Alu Arjun, yeah? yeah? Have you ever run into him? Kabhi hui? Not yet, not yet. I'd love to kind of sit down with him and ask him how he, what he feels about you know, his face and my voice. Yeah, <laughs> I know, man. He, he's a fabulous guy. He's one of the most amazing guys in the in the, in the film industry, in the Telugu film industry. And um, let's take a look at him. And uh, he's that good looking man. How does he sound? So here's a picture. Uh, Sanket, you have a voice for him. Garme Gadiye, Rasta Khalia, to Petrol Yanega.

<laughs> Dude, I can't believe this. this is Ben 10 in the studios. So this is like a two in one package. Yeah. This yeah, yeah. is Deadpool and Dopinder and both of here. Both of ये दोनों आप दोनों यहाँ पर जो बैठे हुए हैं मुझे मुझे मैं आपको बता नहीं सकता कितनी खुशी हो रही मेरे को <laughs> ये दोनों किरदारों को तो जो आपने लेजेंड बनाया है एक सीन हो जाए इन दोनों का यार ढोकले हाँ पोल भाई ये मंत्रा ने स्टूडियो में तो बुला लिया खाना कब खिलाएगा वो खिलाएंगे भाई ऐसे गुजराती बैठा है खाना खाया बगैर थोड़ी जाएगा आपको भी बैठने को मिलेगा सही बात है वरना मंत्रा को बाद में साइड में लेके थोड़ा ढोकला पानी खिला देंगे लेकिन भाई ढोकला तो आएगा इसमें क्या है चलो देख लेंगे राजेश <laughs> <laughs> so Ra का सोचा था आप और डेनियल रेडक्लिफ इतने जुड़वा भाई जैसे दाढ़ी बना लो उसकी तो, तो अरे इसीलिए मैं दाढ़ी रखता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन आर वेरी ओन हैरी पॉटर एवरी टाइम यू हैव हर्ड हैरी इट्स बीन राजेश इज वॉइस यस जो बहुत ही इंटरेस्टिंग इनका होता है ना वो ठंड ठंड वाले माहौल mm -hmm. में वो ए, ये सब क्या हो रहा है कैसे हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं उसका नाम नहीं ले सकता वो हमारा पीछा कर रहा है

रखो नीचे हेडफोन आज नहीं पहन के आए तुम वाली टी शर्ट आओ सामने आओ रख दो दो। पे हेडफोन रख सर बीन शूटिंग ऑल दी एपिसोड्स एंड एवरी अदर डे आई सी हिम वेयर सम टी शर्ट जिसके ऊपर ऐसे कैरेक्टर क्या क्या नाम था तुम्हारा कैरेक्टर का

थोड़ा गुस्सा पड़ी। गुस्सा वाला कुछ है हमेशा ये है ये तो कैसे बोलते हैं क्या है ये तो एकदम सड़ू वाला रहता है सास के हाँ। देखता हूँ ना नारुतो हाँ। भी देखता हूँ चुका तो नहीं है सास के सा सास के, हाँ, तो आके इस, इसकी वॉइस कर

तो उसे दबा नहीं सकते आप कुछ भी कर लो मतलब वो, वो अपने आप अप... हीरा अगर निखरता है तो उसकी चमक पहुंच ही जाएगी किसी ना किसी जरिए ये चीज तुम इसकी आवाज में बोल के बताओ ये। इसका तो बहुत पॉपुलर डायलॉग है वो लेना चाहिए <coughs> सकोरा तुम एक सर दर्द हो जब भी मुंह खोला बेसुरा बोला सीधा रोस्टिंग वाला सो फ्रीकिंग कूल सो फ्रीकिंग कूल This is awesome. This is awesome. And that's it. That was a wonderful one. Wow, guys. What a fabulous, fabulous session I've had with two of the icons of the dubbing industry, Sanket Matre, Rajesh Kawa. Thank you so much for being here. Absolute on the pleasure, episode. Mantra. Thank you so much thank for having you, us you, and gosh. talking about our craft. Thanks a lot. Super stuff, man. Stick around. This is What's Your Mantra?